वोटर आईडी स्कैम पर मजहर हुसैन एडवोकेट ने बयान जारी कर आवाम से अपने वोटर आईडी पर ध्यान देने की गुजारिश की है। गुलबर्गा शहर ही नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट और मुल्क भर में जहां बीजेपी के खिलाफ वोटर्स ज्यादा हैं, वहां लोगों के नाम वोटर आईडी लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बीजेपी गवर्नमेंट उन लोगों का डाटा जमा कर रही है जो बीजेपी को वोट नहीं करते, और हजारों वोटर्स के नाम वोटर आईडी लिस्ट से डिलीट किए गए हैं। इस मामले पर गौर कर गुलबर्गा शहर से मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, वोट डालना हर शख्स का फंडामेंटल राइट है और इस तरह वोटर के नाम डिलीट होना बड़ी फिक्र की बात है। कर्नाटक स्टेट में इलेक्शन काफ़ी करीब हैं और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने वोटर आईडीज़ को ऑनलाइन वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के जरिए चेक कर लें, और तमाम पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि शहर के हर वार्ड मोहल्लों में वोटर आईडी कैंप ऑर्गेनाइज कर आवाम को वोटर आईडी कार्ड चेक करने और न्यू वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद करें। और हाल ही में जो नौजवान 18 साल के हो गए हैं, वो लोग भी वोट की अहमियत को समझते हुए अपने वोटर आईडी कार्ड बनवा लें ताकि वोट कर एक बेहतर उम्मीदवार को जिता सकें। मजहर हुसैन एडवोकेट ने कहा, गुलबर्गा शहर के खमर कॉलोनी गोल्डर्स स्कूल में नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम की जानिब से 21 नवंबर मंडे से 3 डेज वोटर आईडी एनरोलमेंट कैंप रखा गया है। आसपास के इलाकों के लोग इस कैंप से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए शहर के हर इलाकों में ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़कर इस कैंप में हिस्सा लें। कुछ दिनों से गुलबर्गा शहर में ये शिकायत आ रही है कि वोटर्स अपने वोटर लिस्ट में उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट हुआ है, बल्कि ऐसी शिकायत हमारे सामने आ रही है। और पूरे रियासत में ये खबर भी चल रही है कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में और कॉन्स्टिट्यूएंसी असम्बली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हज़ारों की तादाद में वोटरों के जो है नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा रहे हैं। तो मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है इंक्वायरी कीजिए कि आप अपने वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अगर नाम अगर डिलीट हुआ है तो फिर एक बार उसको आप एनरोलमेंट कीजिए, क्योंकि वोटर हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट। अगर हमारा वोटर लिस्ट में से अगर नाम निकलता है, अगर हम इसी तरह से अगर हम खामोश अगर बैठेंगे, फिर इलेक्शन के टाइम पे आएंगे तो जब वोट नहीं रहेगा तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो राइट हमारा छीना जाएगा। और ये साजिश चल रही है पिछले कुछ दिनों से, हम ना सिर्फ कर्नाटका रियासत में बल्कि पूरे मुल्क भर में वो लोग सिर्फ और ये वोटों को डिलीट कर यहाँ पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। यहाँ पर पीपल को ही ख़त्म कर रहे हैं। जो डेमोक्रेसी मुकम्मल वहाँ होती है जहाँ पर वोटर लिस्ट में हमारा वोट डालने का हक हो, और हमारे हकूक को बगैर वोटर को इत्तला दिए के, बगैर वोटर को इन्फॉर्मेशन दिए के उनको वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट कर रहे हैं। तो मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ, वक्त बहुत मुख्तसर सा वक्त बचा हुआ है, आप लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलिए, निकल कर वहाँ पर जहाँ पर भी कैंप डाले हैं वहाँ पर जाकर अपना वोट दर्ज कीजिए। मोबाइल के अंदर सबके हाथों में स्मार्टफोन है, मोबाइल के अंदर सर्च कीजिए, वेबसाइट है उसका, इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है, उसके ऐप है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर अपना ईपिक नंबर डालकर आप अपना नाम है या नहीं, या नहीं तो अपना डाटा डालकर नाम सर्च कर सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इमिडिएटली वहाँ पर जाकर आप वोटर अपना नाम दर्ज कीजिए। साथ ही साथ मैं कुछ और नौजवान बच्चे हैं जो ये साल जो है 18 साल की उम्र जिनकी हो गई है, वो लोग जो वोट एनरोल नहीं किए हैं, उनका अपना नाम रजिस्टर नहीं किया वोटर लिस्ट में, उन तमाम नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाइए। और मैं दूसरे जितने भी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने वार्ड के अंदर एक एनरोलमेंट ऑफ वोटर्स का एक कैंप डालकर लोगों को फैसिलिटेट कीजिए ताकि लोग आकर वहां पर अपना नाम दर्ज करेंगे। तो मैं जनता दल सेकुलर के मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनकी टीम को मैं मुबारकबादी देता हूं, उन्होंने पहल की है। पीर के दिन सुबह 10 बजे से वहाँ पर गोल्डर्स स्कूल में वो एनरोलमेंट ऑफ वोटर्स का कैंप मुनक्किद किए हैं। तमाम खमर कॉलोनी, बुलंद प्रवास कॉलोनी, पीर बंगाली दरगाह के पीर बंगाली कॉलोनी, खाजा कॉलोनी, नूरानी महिला, तमाम लोग वहाँ पर गोल्डर्स स्कूल में पीर के दिन सुबह
10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक 3 दिन के लिए वहाँ पर एक कैंप रखा गया है, वो कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ मैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी गुजारिश करता हूँ, अपने अपने एरियाज में वहाँ पर ऐसे कैंप रखिए, रख कर वहाँ पर लोगों को आसानी हो, ताकि अपने घर के बाहर निकल कर वहाँ पर अपना नाम दर्ज कर सके। जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आपके घर में मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, आप ऑनलाइन भी अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, अपने फंडामेंटल राइट, राइट टू वोट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अगर घर में बैठेंगे, काहली अगर करेंगे, तो हमारा फंडामेंटल राइट छीना जाएगा। हमको बगैर इत्तला दिए कि वो नाम निकाले हैं, लेकिन मालूम होने के बाद अगर घर में अगर बैठेंगे तो इससे बड़े अफसोस की बात नहीं होगी। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, यहां पर कास्ट को देखकर, खासकर कास्ट की बात की जा रही है, मजहब को देखकर, कास्ट को देखकर उनके नाम वोटर लिस्ट में से डिलीट किए जा रहे हैं। ना सिर्फ गुलबर्गा में, हर जगह पर आप कर्णा न्यूज़ चैनलों में देखिए, मीडिया में वही चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, लोगों के पर्सनल डाटा कलेक्ट, चोरी कर रहे हैं, घरों को जाकर पर्सनल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ से हमको समझना चाहिए, जिसके वजह से आज जो है कुछ लोग इख्तदार में आ रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। वो लोगों को जो मनमानी कर रहे हैं उनको अगर दूर रखना है तो पहले आप अंदर आना होगा लिस्ट के अंदर, और अपने वोट के जरिए से उनको तमाचा मारना होगा। तो घरों में बैठने की ज़रूरत नहीं, आप बाहर निकलिए।